पवित्रारोपण, भूत शुद्धि, योग पीठस्थ देवताओं द्वारा तथा प्रधान देवता के पार्षद अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं पवित्रारोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया गया पवित्रारोपण संपूर्ण वर्ष भर की हुई श्रीहरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक के बीच में काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। प्रतिपदा दनद तिथि है, द्वितीया आदि तिथियां क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओं की है। यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती तथा नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातृकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी, नागों या यमराज की दशमी, ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्रीहरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा ब्रह्मा की पौर्णमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है, केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोले। पवित्र बनाने के लिए सोने चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि के सूत होने चाहिए। ब्राह्मणी के हाथ का काटा हुआ सूत सर्वोत्तम है, वो ना मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे पुनः तिगुरा करें और उसी से अर्थात 9 तंतुओं द्वारा पवित्रक बनाएं। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदि की श्रेणी में गिना जाता है। पवित्रारोपण के पूर्व इष्ट देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभो क्रियालोज जनित दोष को दूर करने के लिए आपने जो साधन बताया है देव वही मैं कर रहा हूं। जहां जैसा पवित्रक आवश्यक है वहां के लिए वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आवे। अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव के मंडल के लिए गायत्री मंत्र से पवित्रक बांधे। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ही ये गायत्री है। देव प्रतिमाओं पर अर्पित करने के लिए अनेक प्रकार का पवित्रक होता है। एक तो विग्रह की नाभि तक पहुंचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुंचता है। ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी में परिगणित है। एक चौथा प्रकार भी है जो पैरों तक लटकता है। ये पैरों तक लटकने वाला पवित्रक वनमाला कहा जाता है। वो 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। इसका महत्व सबसे अधिक है। साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है, अथवा वो 16 अंगुल से दुगनी बड़ी होनी चाहिए। कर्णिका, केसर और दल आदि से युक्त जो यंत्र या चक्र आदि मंडल है, उस मंडल को जो नीचे से ऊपर तक ढक ले, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चत्र और एक आब्ज आदि मंडल चक्र में उस मंडल का मान जितने अंगुल का हो उतने अंगुल मान वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। वेदी पर अपने 27 अंगुल के माप का पवित्रक अर्पित करें। आचार्यों के लिए, पिता माता आदि के लिए तथा पुस्तक पर चढ़ाने के लिए, जो स्वयं धारण करने के लिए जो पवित्रक बनावे वो नाभि तक ही लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठें लगी होनी चाहिए तथा उस पवित्रक पर गंध, चंदन, रोली या केसर लगाया गया हो, वो उसी में रंगा गया हो। ब्राह्मण वनमाला में 2-2 अंगुल की दूरी पर क्रमशः 108 गांठें रहनी चाहिए, अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम पवित्रक में क्रमशः 12, 24 और 36 गांठें रखनी चाहिए। मंद, मध्यम और उत्तम मालार्थी पुरुषों को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए, अथवा कनिष्ठ आदि नाम वाले पवित्रक में समान रूप से 12-12 ही गांठें होनी चाहिए। केवल तंतुओं की संख्या में और लंबाई में भेद होने से उनकी भिन्न संख्याएं मानी जाती हैं। सूर्य, कलश तथा अग्नि आदि के लिए भी यथासंभव विष्णु भगवान के तुल्य ही पवित्र अर्पित करना उत्तम माना गया है। पीठ के लिए पीठ की लंबाई के अनुसार तथा कुंड के लिए भी मेखला पर्यंत लंबा पवित्रक होना चाहिए। विष्णु पार्षदों के लिए यथाशक्ति सूत्र ग्रंथि देनी चाहिए, अथवा बिना ग्रंथि के ही 17 सूत्र चढ़ावें और भद्र नामक पार्षद को त्रिसूत्र, तिरसूत्र अर्पित करें। पवित्रक को रोचना, अर्गुर कर्पूर मिश्रित हल्दी एवं कुमकुम के रंग से रंग देना चाहिए। भक्त पुरुष एकादशी को स्नान, संध्या आदि करके पूजा गृह में जाकर भगवान श्री हरि का यजन करें। उनके समस्त परिवार को बलि देकर उनकी अर्चना करें। द्वार के अंत में क्षेत्रपालाय नमः,
बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करें। द्वार के ऊपर श्रीये नमः कहकर श्री देवी की पूजा करें। द्वार के दक्षिण देश में धात्रेय नमः, गंगाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करें और वाम देश में विधात्रेय नमः, यमुनाय नमः बोलकर विधाता एवं यमुना जी की पूजा करें। इसी तरह द्वार के दक्षिण वाम देश में क्रमशः शंखनिधि नमः, पद्मनिधि नमः बोलकर शंखनिधि एवं पद्मनिधि की पूजा करें। फिर मंडल के भीतर दाहिने पैर के पार्श्वी भाग को 3 बार पटक कर विघ्नों का अपसारण करें। तदनंतर सारांगाय नमः बोलकर विघ्नकारी भूतों को दूर भगावे। इसके बाद ओम हा वास्तवधिपते ब्राह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ब्रह्मा के स्थान में पुष्प चढ़ावे। फिर आसन पर बैठकर भूत शुद्धि करें। सुवर्णमय चतुरस्थ पीठ को तथा इंद्रादि देवताओं को अपने युगल चरणों में स्थित देखते हुए उनका चिंतन करें। इस प्रकार शुद्ध हुए गंध तन्मात्र को रस तन्मात्र में लीन करके उपासक इसी क्रम से रस तन्मात्र का रूप तन्मात्र में संहार करें। इन 4 उत्भात वाक्यों को उच्चारण करके जानू से लेके नाभि तक के भाग को श्वेत कमल से चिन्हित शुक्लवर्ण एवं अर्ध चंद्राकार देखें। ध्यान द्वारा यह चिंतन करें कि इस जलीय भाग के देवता वरुण हैं। उक्त 4 उद्धातों के उच्चारण से रस तन्मात्रा की शुद्धि होती है। इसके बाद इस रस तन्मात्रा का रूप तन्मात्रा में लय कर दें। इन 3 उद्धात वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ तक के भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल का चिंतन करें। उसका रंग लाल है, वो स्वस्तिकाकार चिन्ह से चिंतित है, उसके अधिदेवता अग्नि है। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किए हुए रूप तन्मात्रा को स्पर्श तन्मात्रा में लीन करें। इन 2 उद्धात वाक्यों के उच्चारण पूर्वक कंठ से लेकर नासिका के बीच भाग में गोलाकार वायुमंडल का चिंतन करें। उसका रंग धूम के समान है, वो निष्कलंक चंद्रमा से चिन्हित है। इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन्मात्रा का ध्यान द्वारा ही शब्द तन्मात्रा में लय कर दें। इसके बाद इस 1 उद्धात वाक्य से शुद्ध स्पष्टिक के समान आकाश का नासिका से लेकर शिखा तक के भाग में चिंतन करें। फिर उस शुद्ध हुए आकाश का अहंकार में उपसंहार करें। तत्पश्चात क्रमशः शोषण आदि के द्वारा देह की शुद्धि करें। ध्यान में ये देखें कि यम बीज रूप वायु के द्वारा पैरों से लेकर शिखा तक का संपूर्ण शरीर सूख गया है। फिर रम बीज द्वारा अग्नि को प्रकट करके देखें कि सारा शरीर अग्नि की ज्वालाओं में आ गया और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद मम बीज का उच्चारण करके भावना करें कि ब्रह्मरंध्र से अमृत का बिंदु प्रकट हुआ है, उससे जो अमृत की धारा प्रकट हुई है उसके शरीर के उस भस्म को आप्लावित कर दिया है। तदनंतर लम बीज का उच्चारण करते हुए ये चिंतन करें कि उस भस्म से दिव्य देह का प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देह की उद्भावना करके करन्यास और अंग न्यास करें। इसके बाद मानस याग का अनुष्ठान करें। हृदय कमल में मानसिक पुष्प आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से अंगों सहित देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। वे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान से मानसिक पूजा स्वीकार करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देव देवेश्वर केशव, आपका स्वागत है, मेरे निकट पधारिए और यथार्थ रूप से भावना द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजा को ग्रहण कीजिए। योग पीठ को धारण करने वाली आधार शक्ति कूर्म अनंत शेष नाग तथा पृथ्वी का पीठ के मध्य भाग में पूजन करना चाहिए। तदनंतर अग्निकोण आदि 4 कोणों में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का पूजन करें। पूर्व आदि मुख्य दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की अर्चना करें। पीठ के मध्य भाग में सत्वादि गुणों का, कमल का, माया और अविद्या नामक तत्वों का, काल तत्व का, सूर्यादि मंडल का तथा पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। पीठ के वायव्य कोण में ईशान कोण तक गुरु पंक्ति की पूजा करें। गण, सरस्वती, नारद, नलकुबर, गुरु, गुरु पादुका, परम गुरु और उनकी पादुका की पूजा ही गुरु पंक्ति की पूजा है। सर्वसिद्धि और परसिद्धि शक्तियों की केसरों में पूजा करनी चाहिए। पूर्व सिद्धि शक्तियां ये हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, कांति, पुष्टि तथा तुष्टि, इनकी क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में पूजा की जानी चाहिए। इसी तरह इंद्र आदि 10 दिक्पालों का भी उनकी दिशाओं में पूजन आवश्यक है।
इन सब के बीच में श्री हरि विराजमान हैं। परसिद्धा शक्तियां धृति श्री रति तथा कांति आदि हैं। मूल मंत्र से भगवान अच्युत की स्थापना की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान से यूं प्रार्थना करें, हे भगवान आप मेरे सम्मुख हो, ओम अभिमुख आप मेरे सम्मुख हो, ओम अभिमुखो भव, पूर्व दिशा में मेरे समीप स्थित हो। इस तरह प्रार्थना करके स्थापना के पश्चात अर्ध पाद्य आदि निवेदन कर गंध आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से भगवान अच्युत की अर्चना करें। इस प्रकार अग्निकोण आदि दिशाओं में क्रम से मूल बीज द्वारा अंगों का पूजन करें। पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा में मूर्त्यात्मक आवरण की अर्चना करें। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार मूर्तियां हैं। अग्निकोण आदि कोणों में क्रमशः श्री रति धृति और कांति की पूजा करें, ये भी श्री हरि की मूर्तियां हैं। अग्नि आदि कोणों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म की परिचर्या करें। पर्वादि दिशाओं में श्रांग मुशल खड्ग तथा वनमाला की अर्चना करें। उसके बाह्य भाग में पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र अग्नि यम निरृति वरुण वायु कुबेर तथा ईशान की पूजा करके नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत की तथा पूर्व और ईशान के बीच में ब्रह्मा जी की अर्चना करें। इनके मध्य भाग में व्रज आदि अस्त्रमय आवरणों का पूजन करें। इनके ही ब्रह्म भाग में दिक्पालों के वाहन रूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादि में क्रम से ऐरावत छाग भैंसा वानर मत्स्य मृग शश खरगोश वृषभ कूर्म और हंस इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके भी ब्राह्म भाग में प्रश्न गर्भ और कुमुद आदि द्वारपालों की पूजा की विधि कही गई है। पूर्व से लेकर उत्तर तक प्रत्येक द्वार पर दो दो द्वारपालों की पूजा आवश्यक है। तदनंतर श्री हरि को नमस्कार करके बाह्य भाग में बलि अर्पण करें। श्री ओम विष्णु पार्षद भेजो नमः बोलकर बलिपीठ पर उसके लिए बलि समर्पित करें। ईशान कोण में ओम विश्वास है विपश्चेनात्मक नमः इस मंत्र से विश्वक्सेन की अर्चना करें। इसके बाद भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। उस समय भगवान से इस प्रकार कहें, प्रभो जो एक वर्ष तक निरंतर की हुई आपकी पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति में हेतु है वो पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करने वाला है, उसके लिए ये कौस्तुक मंगल सूत्र धारण कीजिए ओम नमः। इसके बाद भगवान के समीप उपवास आदि का नियम ग्रहण करें और इस प्रकार कहें, मैं उपवास के साथ नियम पूर्वक रहकर इष्ट देव को संतुष्ट करूंगा। देवेश्वर आज से लेकर जब तक वैशेषिक विशेष उत्सव का दिन न आ जाए तब तक काम क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी न फटकने पावे। व्रती यजमान यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो नक्त व्रत रात में भोजन किया करें। हवन करके भगवान की स्तुति के बाद उनका विसर्जन करें। भगवान का नित्य पूजन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। ओम श्री श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः ये भगवान की पूजा के लिए मंत्र है।